तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स बाय थॉमस हरिट मॉर्गन। He explained, उसने क्या एक्सप्लेन किया? He explained linkage and ये भी हम बताएंगे क्या होता है एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, he worked on कौन सी फ्लाई पे, कौन से इंसेक्ट पे काम किया? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। जो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर है इट इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। इसको फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं? इट होवर्स, होवर्स का मतलब होता है भिन भिनाते रहना। इट होवर्स ओवर राइप फ्रूट्स वेयर यीस्ट ग्रोस। जो ओवर राइप फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर फंगल इंफेक्शन हो जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाती है, ये उसके ऊपर होवर करते हैं एंड एज इट फीड्स ऑन यीस्ट। ये फ्रूट्स पे नहीं, फ्रूट्स को नहीं खाती, ये फंगस को, यीस्ट को खाती है। ठीक है, एंड व्हाई ही वर्कड ऑन दिस, इट इज इजी टू यू नो ब्रीथ इन यू नो आर्टिफिशियल मीडियम। हैविंग राइप बनाना, क्योंकि राइप बनाना बहुत जल्दी राइप होते हैं और उनके ऊपर यीस्ट काफी जल्दी ग्रो कर जाती है, इसलिए ड्रोसोफिला को इस मीडियम में ग्रो किया जाता है। थर्ड थिंग, और उसने ड्रोसोफिला पे क्यों काम किया? एक तो इसको इजीली टू ब्रीड या कल्चर, देन अनदर इज मेल एंड फीमेल आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। कैसे? जो मेल्स है आर स्मॉलर देन फीमेल, देन सेकेंड है विंग साइज एंड कलर ऑफ विंग्स डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स और फीमेल्स को हम डिस्टिंग्विश इजीली कर लेते हैं। तीसरा, देयर आर अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, देयर आर अदर डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स। ठीक है जी, उसके बाद फीमेल ड्रोसोफिला हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। Of about 2 weeks. Not female Drosophila, but simple Drosophila has short lifespan
of about 15 days or 2 weeks. So that a scientist can study many generations. ठीक है, तो ड्रोसोफिला की कई जनरेशन, उसको पता चलेगा क्या करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं क्या नहीं होते. ठीक है जी. देन फीमेल ड्रोसोफिला लेज मेनी एग्स एट सेम टाइम. तो एक साइंटिस्ट को 20 के बच्चे होते हैं, क्या करैक्टर्स इनहेरिट करते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेशन होती है, क्या चीज नए आए है, तो वो पता चलता है जब बहुत सारे बच्चे हो. ह्यूमंस का एक बच्चा है, क्या पता चलेगा कि क्या इनहेरिट हुआ क्या नहीं इनहेरिट हुआ, एक से ज्यादा नहीं पता चलता. ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो, ऊपर से ह्यूमंस की लाइफ बहुत है. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट कितनी, एक दो या तीन जनरेशन मैक्सिमम स्टडी कर लेगा अपने लाइफ टाइम में, इससे ज्यादा जनरेशन स्टडी नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए लेज मेनी एग्स एट द सेम टाइम, सो दैट अ साइंटिस्ट हैज लॉट ऑफ सैंपल्स टू स्टडी. ठीक है, इसलिए जो है उसने ड्रोसोफिला पे, थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज टीम, दे वर्कड ऑन ड्रोसोफिला. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला आर 2n डिप्लॉयड है. 2n इज इक्वल टू 4 pairs. इसमें 3 pairs ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 pair ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. ह्यूमंस की तरह से मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स है एक्स एंड वाई, फीमेल में इट इज एक्स. तो ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला. ठीक है, ये लिख लो पहले. अब मेरी बात सुनो कि ह्यूमंस, अब ये लिखना नहीं है, अब आपने मेरी बात समझ ली है, जो चीज लिखने को कहूंगी वही लिखूंगा. कि हमारे पास, ह्यूमन के पास ट्वेंटी थ्री पेयर्स है क्रोमोसोम्स. ठीक है, और पेयर में अगर हम कहा जाए तो ये जीन जो वन है वो तो सेम ही है ना, उसकी एलील्स दो है. 46 तो नहीं हम कहेंगे, लगता है हर क्रोमोसोम पे एक जीन है, तो हम 46 जीन्स नहीं हम कहेंगे, हम कहेंगे 23 जीन्स है. राइट, उनकी किसी के पास दोनों एलील सेम है, किसी के पास एलील अलग अलग है, दैट इज द सेपरेशन. ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है एंड दे कंसिस्ट ऑफ थर्टी थाउजेंड जीन्स है. क्या मतलब है इसका, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है देयरफॉर देयर आर मेनी जीन्स present on
सेम क्रोमोसोम। हाँ ना मैं, मुझे जवाब देते रहा करो, यस और नो, समझ में आई ये चीज? यस मैम। ठीक है, कि भी एक ही क्रोमोसोम पे इसका मतलब बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट है। फर्दर ड्यूरिंग मियोसिस होल ऑफ क्रोमोसोम मूव टू ए पोल एंड नॉट इन पीसेस। ये पेयर में अगर सेपरेट होना है तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे पीसेस में तो नहीं गया, यस और नो? ये क्रोमोसोम ये जो है ये ऐसे फ्रेगमेंट्स में तो नहीं गया? नो मैम। नहीं ना, ये कंप्लीट ऐसे गया है। इसका मतलब कि जो जीन एक क्रोमोसोम पे पड़ी हुई थी वो सारी की सारी एक साथ ट्रांसफर करती है, राइट? देयरफॉर मैम जो लास्ट बात बोली वो समझ नहीं आई। पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही तो एक पोल पे जाता है, ऐसा तो नहीं कि भी ये क्रोमोसोम के टुकड़े टुकड़े हो गए, पीसेस हो गए इन दोनों क्रोमोसोम्स के, और फिर इन दोनों क्रोमोसोम्स के कोई यहाँ जा रहा है कोई यहाँ जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना होता? पूरे yes. का पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही तो ट्रांसफर होता है, तो इसलिए देयरफॉर ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर inherited together or passed to same gamete let us say is chromosome pe a hai b c B, F, G, H. तो ये सारी की सारी जो डोमिनेंट फॉर्म्स है जो रिसेसिव फॉर्म्स है ये सारी की सारी एक ही गैमेट में जाएंगी। Am I okay? ठीक है? So, thus, the genes present on the same chromosome are called as क्या बोलते हैं उसको, are called as linked genes. For example अगर हम बात करें for example Let us say in human, मैं assume कर रही हूं कोई ये reality में नहीं है। In human ये एक homologous chromosome है, this is for let us say tall height and you know this is capital T and You know, brown eyes, that is small b or capital B, they are present on same chromosome or small t and small b. Is tarah se hai. This is for Dwarfness, you can say, yeah, less eye, and this is for black eye.
तो ये दोनों जीन्स लिंक्ड है, तो इसका मतलब जो टॉल पर्सन है उसकी क्या होगी, हमेशा ब्राउन आईज होगी, और जो ड्वार्फ है, ये मैं अगेन मैं ज्यूम ही कर रही हूँ, जो ड्वार्फ है उसकी हमेशा कैसी होगी, ब्लैक आईज होगी, क्योंकि डोमिनेंट टी इज लिंक्ड विद द डोमिनेंट बी, इज इट राइट? ठीक है, तो इसी तरह से लेटर से ये मेल है और फीमेल जो थी वो लेटर से ही है। अब जब इसके गैमेट्स बने तो बेटा ये क्रोमोसोम इधर, अब ये चार नहीं बनेंगे, इसके गैमेट्स दो टाइप के ही बनेंगे, क्योंकि क्या है टी और बी ये हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, ये अलग अलग होंगे ही नहीं, तो दो टाइप के गैमेट्स बने, ये वाले और ये वाले, और इधर तो एक ही टाइप का बना। जब फ्यूजन हुई तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब है लिंब जीन्स, तो हमें दो ही जो है वो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, दैट इज टॉल एंड ब्राउन आईज, दिस इज ड्वार्फ एंड ब्लैक आईज, सो दिस इज कंप्लीटली लिंब जीन्स। ठीक है, तो लिंब जीन्स आर दोज विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड आर इनहेरिटेड टूगेदर, इज इट ओके? समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है, everybody? Arnav, Archpreet? Yes, ma'am. Okay, Argun? Question is, how linked genes are different from Mendelian factors? तो मेंडल ने सेवन करेक्टर स्टडी किए थे जो सेवन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थे। ठीक है, तो आंसर क्या है कि मेंडेलियन फैक्टर्स, दैट इज सेवन जीन्स फॉर सेवन करेक्टर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, अलग क्रोमोसोम्स है तो अलग क्रोमोसोम्स अपनी अपनी मर्जी से जाते हैं इधर उधर। ठीक है, वो ये तो नहीं कि फर्स्ट क्रोमोसोम इधर को जा रहा है तो सेकंड में भी इधर को ही जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट, हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर जो है तो ये दूसरा क्रोमोसोम कि ये इधर कि ये दोनों इकट्ठे होंगे, ये दोनों इकट्ठे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन दोनों के साथ ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि रेड के साथ रेड ही जाए और ब्लैक के साथ ब्लैक जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक के साथ रेड चला जाए और रेड के साथ ब्लैक चला जाए, ये मेंडल, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स, राइट? तो प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दस शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो जो मेंडेलियन फैक्टर्स है वो क्या शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेयर एज
linked genes are present on same chromosome and do not show independent assortment. तो वो एक साथ ही जाती है इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो होता। एक क्वेश्चन एक और आ जाता है, इफ सम जीन्स स्टडीड बाय मेंडल आर लिंक्ड देन he would not have given dash law. अगर जो सेवन करैक्टर्स उसने किए थे उसमें कुछ जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होती तो वो कौन सा लॉ ना दे पाता? Tell me quickly. हाँ जी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो ये लॉ ना प्रपोज कर सकता, इज इट राइट? क्योंकि वो जीन्स क्या होती लिंक, तो कुछ जीन्स लिंक्ड होती कुछ इंडिपेंडेंट, तो वो एक ये लॉ ना दे पाता, राइट? सो दिस इज, बट अब क्या है, तो इसका क्या मतलब है? एक क्वेश्चन और आ जाता है, आपने ये लिखते जाना है. Another question. What do you think yeah, what can you say that linked genes always remain together, कभी भी नहीं separate होती? क्या वो कभी separate नहीं हो सकती? क्या हमेशा ही उन्हें साथ ही रहना पड़ेगा? नहीं बेटा, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम शादियां हो जाती है, शादी में जब हम कहते हैं कि तुम दोनों ने जीवन भर साथ रहना है, तो क्या फंस गया इंसान? क्या नहीं हो सकता? नहीं. एक तरफ अगर ये कानून हमने बना दिया कि इन्होंने एक हमेशा साथ रहना है, तो दूसरी तरफ कानून हमने क्या डिवोर्स का भी बना दिया कि नहीं अलग भी हो सकते. तो यही चीज जीन्स की भी है, बट ये मौका सभी को नहीं मिलता. फिर भी मैं वो आपको बताने लगी कि आंसर इज जो लिंक्ड जीन्स है, लिंक्ड जीन्स इफ प्रेजेंट at a distance, अगर वो distance के थोड़ी दूर दूर present होंगी, at a distance can be separated by crossing over. जो बहुत पास में होंगी वो नहीं separate होंगी, बट जो दूर दूर पे प्रेजेंट है दे कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर. जैसे ये यू नो, अब मैं थोड़ा सा और कि क्रॉसिंग ओवर कब होती है मियोसिस में, ठीक है? कब है? प्रोफेज वन में मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. ये है यहाँ पे लेटर से हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी, ये डिस्टेंस पे या दूर दूर है कैपिटल बी है, तो लिंक है. बट यहाँ पे क्या है स्मॉल टी, स्मॉल बी, स्मॉल.
अब आपको पता है क्रॉसिंग ओवर सिर्फ दो क्रोमेटिड्स में होती है, और किसमें होती है? नॉन सिस्टर में, चारों में नहीं होती है, है ना? दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो इस ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसमें से एक क्रोमेटिड और इसमें से एक क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। लेट अस से इसमें ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो यहां पे क्या बना है? ये तो यही है, कैपिटल बी कैपिटल टी, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ये तो कैपिटल बी ही है, बट यहां पे क्या आ गया? स्मॉल टी। तो अब यहां पे देख रहे हो, इस बी को मौका मिला है कि मैं एक नई एलील के साथ कॉम्बिनेशन कर सकूं, तो डोमिनेंट बी को रिसेसिव टी के साथ मिलने का मौका मिला है, राइट? तो हियर इसी तरह से यहां पर भी Here it is, capital T, और यहाँ पे small b, यहाँ पे sorry, मैंने गड़बड़ कर दी, I'm sorry, it is capital T कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे है स्मॉल टी स्मॉल बी एंड हियर कैपिटल। तो अब जब चारों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगी, मियोसिस याद करो चार गैमेट्स बनेंगे, एक तो गैमेट कौन सा बना? ये वाला टी बी, दूसरा कौन सा बना? कैपिटल टी स्मॉल बी, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। तो ये चार गैमेट्स बने, इज इट ओके? तो लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, बट कंडीशन इज दैट द टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दे शुड बी प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस। अगर दिमाग थोड़ी सी दोबारा से मेरी बात सुनो, अगर दो जीन्स बहुत क्लोज है, देन दे आर क्लोजली लिंक्ड, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर थोड़े से डिस्टेंस है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, बट पॉसिबिलिटी कम है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? पहले ये नोट करो सारा आप, ठीक, और फिर हम जो है वो आगे करवाते हैं। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये होमोलोगस पेयर है, या हम ये कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आउट ऑफ विच वन कम्स फ्रॉम मदर, अनदर कम्स फ्रॉम फादर, एंड बिफोर डिवीजन ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स टू फॉर्म सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो दीज टू आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, कार्बन कॉपी, कुछ भी चेंज नहीं होता, these are carbon copies of each other, but कई बार क्या है कि इसमें दोनों की आपस में क्या होता है, during meiosis, meiosis की हम बात कर रहे हैं, the two gets joined with each other and this is called as, ये क्या है, synaptonymal complex और इन दो को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स्ड क्रोमोसोम। मैंने तो बहुत दूर दूर बना दी, इतनी दूर दूर नहीं होते हैं, ये न्यूक्लियस ही छोटा सा है, सो दीज आर साइनैप्स्ड क्रोमोसोम। और समटाइम्स व्हाट हैपन ड्यू टू साइनैप्सिस, ड्यू टू बहुत टाइट इनकी आपस में कॉइलिंग हो जाती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ टू क्रोमेटिड्स में हो सकती है,
कौन सी नॉन सिस्टर, अगर ये वन टू थ्री फोर, तो इसमें वन एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है, थ्री एंड फोर सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जबकि वन एंड थ्री, टू एंड फोर, टू एंड थ्री, वन एंड फोर, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ब्लैक वाली दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, रेड वाली दोनों, बट ब्लैक एंड रेड दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. एंड व्हाट हैपेंस, देयर अकर्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स. इन दोनों में अगर एक्सचेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, दोनों एक जैसी, ठीक है. तो क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में. तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर स्मॉल बी आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुई सेगमेंट, कैपिटल बी, यहाँ तो है ही है स्मॉल बी, बाकी तो हमने देखा नहीं, ठीक है. बट सिर्फ दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होगी, ऐसे नहीं कि इसमें और इसमें भी हो जाए, नहीं, चारों में नहीं. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर बी मोर देन 50% फॉर वन जीन. एक जीन के लिए 50% से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. इज इट ओके, समझ में आई अर्शप्रीत, मयंक? यस मैम. डिड यू गेट कि भाई क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है? मयंक आपको ये समझ में नहीं आया था, समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है जी, अब क्या है, अगर ये था मेंडेलियन डायहाइब्रिड, AABB, तो इसके चार इक्वल टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे. क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, फिर आ जाता है बेटा कंप्लीटली लिंक्ड जीन. जिसमें ए और बी लिंक है, ये जरूरी नहीं कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट हो सकता है, और हम ये भी कह सकते हैं ये लिंक है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो चलो हम पहले वाला करते हैं कि ये लिंक है. तो इसमें सिर्फ दो टाइप ऑफ गैमेट्स, ओनली टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. AB and AB. This is parental type. यहां पे आपको ये पता है, ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्ब. ऐसा कैसे, क्योंकि ये किसकी क्रॉसिंग से बना है, इन दोनों को क्रॉस किया तो ये बना. इसका कौन सा गैमेट था, ए बी, ये वाला गैमेट था, इसका ये था. तो ये दो तो पेरेंटल है, ये दो नए टाइप के रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, बट 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट. यहाँ पे सिर्फ ये दो टाइप के गैमेट्स बने हैं, सो इट इज 100% पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स. उसके बाद आ जाती है बेटा इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन. इट मींस लेट अस से देयर आर 10 मियोसाइट्स. मियोसाइट्स मींस 10 सेल्स इन विच मियोसिस अकर्स.
दस सेल्स हैं जिसमें मियोसिस हो रही है, दस में से एट सेल्स में नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, ठीक है, जबकि इसलिए देयरफॉर इन सेल्स में आप नीचे करके लिख सकते हैं, सो देयरफॉर टाइप्स ऑफ गैमेट्स कौन से होंगे, ए बी, ए बी, यही गैमेट्स होंगे, जबकि टू सेल्स जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी, तो इन दो सेल्स में गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये वाले, ये तो हो गए पेरेंटल, फिफ्टी परसेंट पेरेंटल और 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स, दो ये बनते हैं, दो ये बनते हैं, या एक 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 ये बनता है, 50% रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे 100% पेरेंटल है, वहां पे 50-50 टोटल टाइप अगर हम गैमेट्स देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड केस में या थर्ड केस में, इसी की ही कॉन्टिन्यूएशन में है कि 10 मियोसाइट्स टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स एक सेल में जब मियोसिस होती है तो फोर सेल्स बनते हैं, फोर डॉटर सेल्स या फोर गैमेट्स, तो यहाँ पे 10 × 4 = 40 गैमेट्स, इसमें से एट सेल्स एट मियोसाइट्स फॉर्म 32 पेरेंटल गैमेट्स एंड 2 मियोसाइट्स फॉर्म 8 है, तो इसमें से 4 पेरेंटल एंड 4 रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, तो अगर हम 10 के 10 देखें, देयरफॉर पेरेंटल गैमेट्स कितने बने, इट इज 44 एंड रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स कितने बने, इट इज 4, थोड़ा सा मैथमेटिकल सा है बट ये समझने के लिए, इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे कितने थे 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, अगर मेंडेलियन डाया हाइब्रिड कंप्लीटली लिंक्ड है तो 100% पेरेंटल टाइप गैमेट्स बनेंगे, अगर इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स है तो कुछ रिकॉम्बिनेंट बनेंगे बट रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन 50%, इज इट ओके, तो हमारे पास 3 टाइप की जीन्स है कि एक तो है इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दूसरी है कंप्लीटली लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड एट वेरी क्लोज डिस्टेंस, वेयर एज इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस सो दैट दे कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, इज इट ओके, तो हम क्या कहेंगे ये भी समझ लो, types of genes based on position, मैं टाइप बताऊंगी, लिखना आपने खुद है, मुझे बताना है,
independently, assorted genes. Second है completely linked genes. और तीसरी है incompletely linked genes. थ्री टाइप की जीन्स. इज इट ओके? समझ में आई है मेरी बात? ठीक है, तो अभी हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी. ठीक, ये लिख लो पहले. कंफ्यूजन पी, इसमें लेटर से हम एक सेल, एक ही सेल है, ये सेल है और एक ये सेल है. यहां पे जो हमें गैमेट्स मिले वो ये मिले, यहां पे मिले तो ये, बट जो हमें आगे प्रोडक्ट मिला वो सिर्फ इसका मिला. मतलब एक सेल को, मेरा मतलब ये है कहने का कि एक सेल को देख के नहीं पता चलता कि यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लिंक्ड जीन्स है, अनलिंक्ड जीन्स है. एक नहीं, हमें बहुत सारे, लेट अस से अगर हम कहते हैं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया थे और उन्होंने 300 मिलियन स्पर्म्स बनाए, तब हम कहेंगे कि 50% X containing, 50% Y containing, और फिर उसमें से 50% जो है, अगर हो सकता है लड़के हो लड़कियों, that is a separate issue. ठीक है, but हम क्या, हम ये नहीं, एक सेल को देख के नहीं पता चलेगा कि इनमें कैसी जीन्स है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड की लिंक्ड जीन्स. लिंक्ड जीन्स लगे से है तो ये इंडिपेंडेंट, मतलब कितनी परसेंट लिंकेज है. ठीक है, ये हमें नहीं पता चलेगा. लेट अस से ये दो लिंक्ड जीन्स भी है बट इनकम्प्लीट लिंकेज है, तो ये चारों गैमेट्स बन गए, ये चारों बने और हमने कह दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टेड है क्योंकि जीन्स तो लिंक्ड है. तो एक सेल से नहीं पता चलेगा, हमें बहुत सारे सेल स्टडी करना पड़ते हैं तब जाके पता चलता है कि इन सभी सेल्स में मियोसिस हुई तो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन मिला और कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं. इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स है. फिर हमने ये 50, 100, 200, 500 सेल स्टडी किए तो पता चला कि 50% जो है वो पेरेंटल है और 50% रिकॉम्बिनेंट. बहुत सारे सेल्स, 1000 सेल स्टडी किए तब ये रेशो आई 50:50. तो हमें पता चला कि अगर 50:50 है तो दीज आर अनलिंक्ड जीन्स. और फिर हमने 1000 सेल्स की आगे मियोसिस स्टडी की तो परसेंटेज आई कि 70% पेरेंटल है, 30% रिकॉम्बिनेंट है. तो इससे पता हमें चला कि जीन्स इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स. इज इट ओके? एक सेल देखने से नहीं पता चलता क्या है क्या नहीं. और एक्सपेरिमेंटली लिंकेज कैन बी टेस्टेड बाय टेस्ट क्रॉस. तो हम बात करेंगे, इट इज टेस्ट क्रॉस टू नो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. टेस्ट क्रॉस आपको पता है, दैट इज क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. लेट अस से फर्स्ट केस
AABB ये हाइब्रिड है और इसको हमने इससे क्रॉस कर दिया, इसका तो एक ही गैमीट बना और इसके चार इक्वल नंबर के गैमीट्स बने। इक्वल फिफ्टी पर मतलब 25 25 25 25 राइट। तो जब इनको क्रॉस किया तो क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल ए ये रेशियो आई 1:1:1:1:1। इसमें ये देखो ये पेरेंट की तरह से है, ये भी पेरेंट की तरह से इस वाले की तरह, जबकि ये दो क्या है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट दिस इज रिकॉम्बिनेंट। इफ टेस्ट क्रॉस रेशियो one is to one and 50% of progeny means आगे बच्चे जो है is parental types and 50% of progeny is recombinant type then the genes A and B are present on separate chromosomes. इसका मतलब क्या है कि unlinked genes. These are unlinked genes. उसके बाद आ जाता है क्या सेकंड आ जाता है, वही क्रॉस है यहां पे सिर्फ दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, ये वाला और ये वाला, यहां पे तो बनना ही नहीं। So offsprings will be इसको इससे parental type और ये भी parental type, ratio is 1:1। If test cross ratio is 1:1 and the progeny is 100% parental, then genes A and B are completely linked. Third आ जाता है यही वाला, इसमें मैं गैमेट्स नहीं बताऊंगी, इसमें प्रोजेनी जो है वो है ये बनी, लेट अस से दिस इज यू नो 35, ये 10 ये भी 10 ये बन गए 40। देखो जरा 100 बन गए पूरे के नहीं, कि गलत किया थोड़ा सा मैंने, मैम ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है, रेशो कुछ भी बनी लेटर से, बट यहां पे
पेरेंटल टाइप्स कितनी है? 80. रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी है? 20. अगर रेशियो निकालेंगे तो पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट की, तो 80 ओवर 100 इज टू 20 ओवर 100 कितनी आ जाएगी? ये तो फ्रीक्वेंसी निकली. 80 ओवर 100 इंटू 100 आप ये कह लीजिए, अगर परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 कर लेंगे ना. 100 ये 100 क्या है? ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है. परसेंटेज निकालेंगे सो इट इज 80% इज टू 20%. और रेशियो कितनी आ जाएगी? 4:1. फोर जो है ये पेरेंटल है, 1 जो है ये रिकॉम्बिनेंट. इफ द रेशियो इज, ध्यान से मेरी बात सुनो, इफ द रेशियो इज अदर देन 1:1:1:1 and 1:1, देन इट मींस जीन्स आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड. इज इट राइट? तो हम यहाँ पे अगर वैसे रेशियो निकाली जाए तो 35:10:10:45, इसको 5 से डिवाइड कर दो, अगर मतलब सभी 5 से कट रहे हैं तो 7:2:2:9 ये रेशियो आ गई है. इफ द रेशियो इज 7:2:2:9 means any other ratio other than 1:1 या 1:1:1:1 in which ये parental है, ये parental है, ये दो recombinant है, then it means the genes are incompletely linked. Is it okay? मेरी बात समझ में आई सबको कि नहीं? If the test cross ratio is other than 1:1 और 1:1:1:1 हम क्या कहेंगे? और इफ द टेस्ट क्रॉस रेशियो या टेस्ट क्रॉस प्रोजनी हैज मोर देन 50% पेरेंटल एंड लेस देन 50% recombinants. आगे आप मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेना. Then the hybrid shows, या then the two genes A and B gene are incompletely linked gene. Is it okay? लिखो, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना मिस. तो इसका मतलब हम क्या कर लें, एक कॉलम सा बना लें. अगर टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 है, 1:1:1:1 है, और या फिर लेट अस से 7:1:1:7 या 9:1:2:15 इस तरह से करके अगर हम काम कर ले तो कुछ भी रेशियो हो सकती है इन विच ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट्स है, ये पेरेंटल है. 100% पेरेंटल प्रोजेनी, 50% पेरेंटल एंड 50% रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी. यहाँ पे मोर देन 50% पेरेंटल एंड लेस देन 50% रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी. तो ये आ जाती है कंप्लीट लिंकेज लिंक्ड जीन्स, ये है अनलिंक्ड जीन्स, और ये है इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स. So, these are the
थ्री टाइप ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टार डाल के क्या करना है, पहले तो आपको क्या लिखना है, आपने स्टार डाल के बॉक्स में लिख लेना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर बी मोर देन 50%, क्योंकि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग होती है, दो तो वैसे ही पेरेंटल ही रहती है, तो 50% से ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती। दूसरा आ जाता है बेटा मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, लेसर द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज एंड दस मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। राइट, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी कम रहेगी। ठीक है, करोगे तो यू नो डाउन मॉर्गन परफॉर्म सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस, मतलब दो जीन मॉर्गन परफॉर्म सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स which were present on sex chromosomes. अब ये देखिए पहले है मैम मेरे ना, हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो, आवाज कट रही है तो हम सामने लिख सकते हो इसको? हाँ मैं लिख रही हूँ, बस आप क्रॉस देखो बाकी छोड़ो। ये मेंडल का क्रॉस है, सॉरी मॉर्गन का, मॉर्गन ने जो किया क्रॉस ए, उसने ली फीमेल और ये लिया फीमेल, क्या है जिसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये सेंट्रोम है जो मेल है, मैं मेल इस तरह से बना देती हूँ रेड से, उसमें ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस तरह से वाई क्रोमोसोम ऐसे ही दिखा देते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर इसका बहुत हल्का सा होता है, पता नहीं चलता। अब यहां पर दो जीन्स हैं, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू,
यहाँ पे दो जीन्स है, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। यहां पर भी जो स्मॉल वाई है येलो बॉडी और कैपिटल वाई है ब्राउन बॉडी, स्मॉल डब्ल्यू व्हाइट विंग्स एंड कैपिटल डब्ल्यू रेड विंग, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू को बेटा आपकी बुक में सबस्क्रिप्ट करके ऐसे लिखा हुआ है, जिसको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करके ऐसे लिखा हुआ है। तो जो सुपरस्क्रिप्ट वाले हैं वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये इसको लिख दिया वाइल्ड जो ओरिजिनल था, और यहां पे हम कह सकते हैं ब्राउन बॉडी विद ब्राउन रेड विंग्स, और इसको क्या लिखा, दैट इज येलो बॉडी विद व्हाइट विंग्स, के कौन से गैमीट बने, फीमेल ने, यहां पे मियोसिस हुई, और फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप का एग बना, एक्स क्रोमोसोम वाला, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ये तो सेंट्रोम में है। और मेल में दो गैमेट्स बन गए, एक ये वाला एक ये वाला, दिस इज वाई कंटेनिंग गैमेट, दिस इज एक्स कंटेनिंग गैमेट। इसके ऊपर तो कोई जीन है नहीं, इस पे हम कैपिटल वाई कैपिटल लिंड जीन्स। अब जब इनको क्रॉस किया तो क्या बना, एक ये बन गया, दोनों एक्स क्रोमोसोम है बट और अगर ये इससे क्रॉस किया तो ये बन गया मेल दिस इज मेल दिस इज फीमेल, ये क्रॉसिंग है। ये क्या थे, ये गैमेट्स थे, ये F1 प्रोजेनी, ये क्या बनी है बेटा, दिस इज यू कैन से ब्राउन बॉडी विद रेड विंग्स या वाइल्ड टाइप जो है वो प्रोजेनी मिली है हमें ये। और ये जो मेल है वो क्या बना, That is yellow body with you know white wings, ये हमें F1 generation में मिली, ठीक है। पहले ये बनाओ फिर मैं आगे बताती हूँ।
ये वाली, मतलब अब हमें अगर F1 प्रोजनी क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजनी ये क्या थी, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो ये फीमेल हुई, राइट? यहाँ पे है कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पे है स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। तो बेटा कुछ सेल्स में तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो दो कौन से गैमीट्स बने, स्मॉल वाई ये क्रोमोसोम अलग ये अलग, ये गैमीट बन गया और ये गैमीट बन गया। और कुछ सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्या बना, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल डब्ल्यू। इसको जब क्रॉस किया मेल के साथ ये था स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू और वाई में तो कुछ है ही नहीं, ये फीमेल थी और ये मेल है और ये सारे एक्स कंटेनिंग एग्स एक्स क्रोमोसोम पे ये दोनों जीन्स प्रेजेंट। तो यहां पे जो दो गैमेट्स बने वो बने और दूसरा वाई वाला, राइट? अब जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो आप क्या देखते हो, आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा पोनेक्स किया थी इसे आपसे, मेल एंड फीमेल, ये एक्स कंटेनिंग स्पर्म है और इसके ऊपर ये दो जीन है वाई एंड डब्ल्यू, ये है वाई कंटेनिंग और इधर जो फीमेल है उसमें चार गैमेट्स हैं, एक्स ऊपर ये, फिर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, फिर एक्स स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू, फिर एक्स कंटेनिंग फॉर्म कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू। तो यहां पे ये फीमेल बनी एक्स और ये मेल बना, आप इसका फीनोटाइप खुद लिखोगे। आप इंटर लिख सकते हो, मतलब ये कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है? बट कुछ जो है यू नो दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स, दिस इज पेरेंटल दिस इज पेरेंटल, बट हमने क्या देखा कि अल्टीमेटली रेशियो यहाँ पे क्या थी, 1.3% रिकॉम्बिनेंट, बहुत कम बने थे, जबकि 99.7% फिर अंतर।
इज इट राइट? तो इतने टाइप रिकॉम्बिनेंट्स बहुत बने थे, सॉरी थोड़े बने थे, और पेरेंटल टाइप्स 98.7 जो थे वो पेरेंटल थे, 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स थे. इसका मतलब द टू जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड जीन्स, इज इट राइट? रिकॉम्बिनेंट्स बने तो सही, बट अगेन मैं दोबारा से बता रही हूँ कि दीज आर फॉर्मड इन वेरी लेस नंबर, मैक्सिमम आर पेरेंटल, विच शोज दैट टू जीन्स आर यू नो इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स बट हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. इज इट ओके? अर्शप्रीत, मयंक, सरगम, शिवांशी, ये चीज समझ में आई? यस मैम. और ऐसे ही क्रॉस मैं आपको समझाती हूँ, शायद लिखवा मैं बाद में दूंगी, कि उसने एक और क्रॉस किया जिसमें उसने क्या कहा, येलो बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स, ये दोनों रिसेसिव करैक्टर्स है. इट इज क्रॉस्ड विथ यू नो ब्राउन बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स. Is it right? Same, इसी तरह की जो है वो रेशियो जो है उसने ली, तो उसने क्या देखा कि यहां पे F2 जेनरेशन में रिकॉम्बिनेंट 37.2%, पेरेंटल कितने हो गए 62.8%. अब मुझे ये बताइए, ये दोनों, ये तीनों जीन्स, लेट अस से बॉडी कलर विंग कलर एंड विंग साइज, विच टू जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड and which two genes are distinctly linked या less linked. हाँ जी, दोनों में यहाँ पे देख लो, body color and wing color में जो recombinants थे इतने थे और parental इतने थे. body color and wing size में recombinant 37.2% and parental type 62.8%. so which two genes are closely linked and which two genes are less linked? जल्दी से कौन बता रहा है मुझे? हरगुन आप बताओ बेटा. मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी से बोलो, कुछ भी बोलो. With respect to body color, body color के साथ विंग कलर वाले जीन पास में है कि विंग साइज वाले जीन पास में है? मैम विंग कलर. यस, विंग कलर वाली जो है वो ज्यादा लिंक्ड है क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम है, जबकि विंग साइज में रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है. इसका मतलब बॉडी कलर एंड विंग साइज की जीन्स दूर दूर है, बॉडी कलर एंड विंग कलर की जीन्स पास पास में. इज इट ओके? थोड़ा सा समझ में आया? ये लिखना, पहले मेरी बात सुन लो कि आज आपने जाके ये सारा दोबारा पढ़ना है, क्योंकि ये सेल्फ अपने आप स्टडी करोगे ना. मैंने तो समझा दिया एक बार, ठीक है, उसके बाद खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा. एनसीईआरटी थोड़ी सी खोलना, उसमें पढ़ना, ऑल्दो एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, बट फिर भी, और फिर भी जो ना समझ आए तो कल हमने मिलना ही है 8:00, राइट? तो फिर हम समझे, ठीक, ये बना लो पहले.